नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। देश में पहली बार कोई समलैंगिक अब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। जी हां, वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सौरभ पिछले कई सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अब आपको बताते हैं किस तरह से नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि कई बार सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल की उम्मीदवारी पर फैसला टालने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आखिरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश कर दी है। कॉलेजियम ने एक बयान में कहा कि यह फैसला 11 नवंबर को हुई बैठक में लिया गया। कृपाल समलैंगिक हैं और यदि उनका चयन किया जाता है तो उनका उत्थान समलैंगिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कृपाल उस ऐतिहासिक मामले में दो याचिकाकर्ताओं के वकील थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में सरकार द्वारा बार बार आपत्तियों के बावजूद कृपाल के नाम पर अपना स्टैंड लिया। बता दें कि केंद्र ने हितों के टकराव का दावा करते हुए उनकी पदोन्नति पर आपत्ति जताई थी क्योंकि उनका पार्टनर यूरोपीय है और स्विस दूतावास के साथ काम करता है। CJI रमना के अलावा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए सिफारिशें करने वाले कॉलेजियम में सदस्य के रूप में जस्टिस UU ललित और AM खानविलकर हैं। SC कॉलेजियम की सिफारिश 2018 में पहली बार कृपाल की उम्मीदवारी पर विचार करने के लगभग 3 साल बाद आई। कॉलेजियम ने अब 3 अन्य अवसरों पर कृपाल की सिफारिशों पर अपना फैसला टाल दिया था। बताया जाता है कि समलैंगिकता के कारण सौरभ को जज की नियुक्ति के लिए इतना इंतजार करना पड़ा है। खुद सौरभ कृपाल भी कुछ ऐसा ही एक इंटरव्यू में कह चुके हैं। फरवरी में इन अटकलों के बीच कि कृपाल की नियुक्ति उनकी सेक्सुअलिटी के कारण रुकी हुई थी, तब CJI SA बोर्डे ने तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर खुफिया जानकारी पर स्पष्टीकरण मांगा था। सरकार ने कृपाल के पार्टनर की राष्ट्रीयता पर अपनी आपत्ति दोहराते हुए इसका जवाब दिया था। सौरभ कृपाल न्यायमूर्ति BN कृपाल के पुत्र हैं जो मई 2002 से नवंबर 2002 तक भारत के 31वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सौरभ कृपाल ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर की भी डिग्री ली है। भारत लौटने से पहले सौरभ कृपाल ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के साथ कुछ समय के लिए काम किया। वह 2 दशकों से अधिक समय से भारत में वकील के पेशे में हैं। उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में नागरिक, वाणिज्यिक और संवैधानिक कानून शामिल है। सौरभ कृपाल समलैंगिक हैं और LGBTQ के अधिकारों के लिए मुखर रहे हैं। उन्होंने सेक्स एंड द सुप्रीम कोर्ट नामक पुस्तक भी लिखी है। उनके पार्टनर निकोलस जर्मेन एक विदेशी नागरिक और स्विस मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मार्च 2021 में सौरभ कृपाल को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी 31 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से उनके वरिष्ठ पद के पक्ष में मतदान किया था।